तो कैसे हो दोस्तों, एक और नए एपिसोड सुपर संडे एपिसोड 2 में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले IQ9 सीरीज के बारे में। तो फाइनली दोस्तों 5 जनवरी 2022 को ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है ग्लोबली। और यहाँ पर बात करें दोस्तों इंडिया में आने के बारे में, इस फ़ोन के बारे में, तो दोस्तों इंडिया में बहुत जल्दी आ जाएगा, लगभग फरवरी के दोस्तों दूसरे वीक में ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बात करें इसके बारे में कुछ लीक चीज़ें की, तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, जो लीक डिटेल हुई है, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में, 2K 120Hz D5 एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, साथ ही में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो जाएगा इस फ़ोन में दोस्तों। और साथ ही में कुछ और डिटेल की बात करें तो दोस्तों कैमरे की 50 मेगापिक्सल सैमसंग GN5 इस फ़ोन का कैमरा होने वाला है। और साथ ही में बात करें 120 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी होने वाली है इस फ़ोन की, और डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। लॉन्च हो रहा है 5 जनवरी 2022 को। और बैटरी की बात करें दोस्तों इस फ़ोन में 4700 mAh की बैटरी होने वाली है, चार्जिंग होने वाली है 120 वाट की चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग IQ9 सीरीज में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों लॉन्च हो रहा है 5 जनवरी को। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात। तो दोस्तों साल 2022 में काफ़ी बढ़िया फ़ोन आने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें एसुस सीरीज के बारे में, तो दोस्तों एसुस रोग 6 और 6 प्रो ये दोनों फ़ोनों के रेंडर लीक हो गए दोस्तों, कुछ इस तरह से इस फ़ोन की लुक होने वाली है। और यहाँ पर देखें तो दोस्तों एसुस रोग 5 की तरह ही, जिस तरह से ये सीरीज पहले से फ़ोन लेके आ रहे हैं, इसी सीरीज में और इसी लुक में ये फ़ोन देखने को मिलेंगे दोनों, एसुस रोग 6 और रोग 6 प्रो। और दोस्तों बात ये यहाँ पर कब तक ये फ़ोन आते हैं और क्या क्या फीचर इस फ़ोन में एक्स्ट्रा देने वाले हैं, तो दोस्तों करते हैं इस फ़ोन के बारे में आगे चल के बात, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी टाइम लग सकता है इन दोनों फ़ोन को आने में। और यहाँ पर दोस्तों ये इस तरह की लुक इसकी लीक हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी फ़ोन तो अभी नहीं, शायद दोस्तों इस फ़ोन को आने में ये शायद दोस्तों अप्रैल या फिर मई तक ये फ़ोन आ सकता है ग्लोबली। और यहाँ पर दोस्तों करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एसुस ZenFone 9 सीरीज के बारे में, तो दोस्तों इसके कुछ रेंडर लीक हुए हैं दोस्तों, इस तरह से कुछ बैक लुक होने वाली है इस फ़ोन की। और बात करें दोस्तों जो चीज़ें इसकी लीक हुई हैं, तो दोस्तों लुक होने वाली है इसकी कुछ एसुस ZenFone 8 की तरह ही, तो दोस्तों सीरीज बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से पहले काम किया करती थी उसी लुक पर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इसके बारे में कुछ डिटेल पता चली है, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो वो होने वाली है 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। साथ में दोस्तों बात करें प्रोसेसर की इस फ़ोन के बारे में, तो प्रोसेसर हो जाएगा दोस्तों अभी कंफर्म नहीं है, और जो डिटेल के अनुसार पता चला है शायद प्रोसेसर हो सकता है दोस्तों कैलकम स्नैपड्रैगन 895 में, और यहाँ पर 240 Hz रिफ्रेश रेट होने वाला है दोस्तों, IPS6 डस्ट वाटर असिस्टेंट के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 12 इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही डिटेल इसके बारे में पता चली थी दोस्तों। लॉन्च डेट अभी काफ़ी दूर है, मतलब अभी क्लियर नहीं है कब तक ये फ़ोन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की सुपर संडे एपिसोड 2 की न्यूज़। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो।